दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी, राजेंद्र लोधी जी हमारे साथ जो एडवोकेट भी हैं और अच्छे मुकर वक्ता हैं। किस प्रकार की चुनावी स्थितियां हैं, चूंकि विधानसभा में हम लोग आए तो उस समय एक ऐसे व्यक्ति पूरे चुनावी कैंपेन को लीड कर रहे थे पंजाब सिंह के साथ, जो स्पष्ट तौर पर अपनी बात भी रख रहे थे और जो चुनावी माहौल था उस पर भी बोल रहे थे। करार खेड़ा के रहने वाले, यहाँ के पी सिंह कक्का जी का घर है और वहां जो घटनाक्रम हुआ था उसके भी ये साक्षी बने हैं। थोड़ी उसके बारे में जानते हैं, फिर चुनावी चर्चा करते हैं। सर स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारी आवाज को उठाते रहते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। करार खेड़ा में जो घटनाक्रम हुआ था चुनाव के दौरान, वो क्या था? देखिए, करार खेड़ा मेरा निजी गृह ग्राम है और जब हम लोग भाजपा पार्टी का और आदरणीय विधायक जो हमारे प्रीतम लोधी जी हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए गए तो वहाँ के कुछ दबंग लोगों ने उनके काफिले पर हमला किया और तमाम तरह के उसमें घटनाक्रम, गाड़ियाँ तोड़ी गईं, ऐसे कि ऐसे मेरे गांव में कैसे आप किसी दूसरी पार्टी के नेता को लेके आ सकते हो, ऐसे तमाम तरह के उस टाइम के वो हुए और वो विवाद इतना बढ़ा कि पूरे देश भर का विवाद बढ़ गया। इतना बड़ा विवाद बन गया कि वो पूरे देश में देखा जाने लगा कि किस प्रकार से एक सामंतवादी राजनीति कह लो या किसी भी प्रकार से, कि लोकतंत्र में सबको हक अधिकार है। जी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि लोकतंत्र में कोई भी किसी भी पार्टी में काम कर सकता है, लेकिन वहाँ एक छोटी सोच, छोटी विचारधारा की गांव में प्रचार करने से लोगों को रोका गया। क्या उसका नुकसान केपी सिंह का काजी बिल्कुल हुआ? बिल्कुल, इसमें भी होगा और उसमें भी हुआ था और इसमें भी होगा। और आज पिछोर विधानसभा आजाद हो गई है, एक भय की राजनीति जो कर रहे थे वो भय की राजनीति यहाँ खत्म हो गई है। भाजपा के मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 30 साल तक इस भय की राजनीति को वो झेलते रहे लेकिन कभी झुकने नहीं गए। और आज हम 6 महीने बाद भी सारे कांग्रेस के लोग एक एक करके भाजपा पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आपको डेली न्यूज में देखने क्या कारण है? क्या कारण है? कारण कुछ भी नहीं है, कुछ लोगों के कारण है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, कुछ लोगों के धंधे बंद हो रहे हैं, कुछ लोगों को इस प्रकार का वो है कि प्रीतम लोधी ठीक आदमी है, इसलिए तमाम तरीके से वो भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, जो राजनीतिक तौर पे बात की जाए, अच्छा जो जिला बनाने की बात हुई थी, वो जिला को लेकर जो चर्चा हुई उसके बाद जनता जनार्दन ने आशीर्वाद भी दिया पंजाब सिंह और प्रीतम सिंह की, लोधी प्रीतम सिंह की जो जोड़ी है उसने एक धमाल मचा दिया। जी, आज जो फिर चर्चा हो रही है कि जिला क्यों नहीं बनाया जा रहा? देखिए, जिले की लड़ाई पंजाब सिंह भाई साहब ने लड़ी और उन्होंने जिले की लड़ाई को इस तरीके से लड़ा कि पिछोर विधानसभा के एक एक घर पर जाकर एक एक नौजवान साथी के दरवाजे की कुंडी खटखटाई और पूरे पिछोर विधानसभा में ऐसा कैंपेन चलाया और उसी का परिणाम है कि भाजपा पार्टी ने यहाँ पिछोर विधानसभा की सीट को जीता। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से भी आग्रह करूंगा और हालांकि हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही पिछोर खनिया धाना में से किसी एक को जिला बनाएगी। अगर इस कुछ भी होता है, हम जब तक जिले की लड़ाई लड़ेंगे तब तक जिला नहीं बन जाएगा। मतलब आप हमारी जिला बना संघर्ष समिति खत्म नहीं हुई है, आज भी हमारी संघर्ष समिति है, आज भी हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं। फिर से दोबारा से अगर पंजाब सिंह की क्या राजनीति है, क्या करेंगे आगे, कैसे करेंगे? आदरणीय भाई साहब का तो देखिए एक ही उद्देश्य है कि जनसेवा का मार्ग उन्होंने हमेशा चुना है, उनका एक ही उद्देश्य है कि लोगों को जो अभाव है वो अभाव ना हो। यहाँ खनिया धाना के कुछ ऐसे गांव हैं बामौर से लेकर 150 किलोमीटर 120 किलोमीटर की दूरी जिले की पड़ती है, तो भाई साहब का तो मुख्य उद्देश्य ये है कि जिला बन जाएगा तो लोगों को परेशानियां दूर हो जाएंगी। जिला जो मुद्दा है वो सभी का मुद्दा, सभी का मुद्दा, सभी का विकास, एक जाति का विषय नहीं है वो, ना वो जाति की लड़ाई लड़ना, ना राजनीति की लड़ाई है, वो सर्व समाज की लड़ाई है और सब पार्टियों की भी लड़ाई है। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि जिले की आवाज तो हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए और जल्द सरकार से मांग करना चाहिए। महाराज साहब चुनावी मैदान में किस प्रकार का माहौल दिख रहा? देखिए, महाराज साहब का माहौल बहुत अच्छा है पिछोर विधानसभा में और सभी जगह महाराज साहब का माहौल अच्छा है और बहुत ही जल्द मतलब आपको भी देखने को मिल जाएगा कि कितने अंतर से महाराज साहब की यहाँ जीत होगी। एक मुद्दा बनना केपी यादव की टिकट काट दी गई, जिस व्यक्ति ने सिंधिया को हराया उसको हटा दिया गया। देखिए, ये तो विपक्ष की पार्टियों का वो रहता है, भाजपा पार्टी संगठनात्मक पार्टी है और पार्टी सर्वे करके ही टिकट देती है। आदरणीय केपी यादव जी के हम खुद समर्थक थे, उनको भी जब उनने चुनाव लड़ा, जब महाराज साहब कांग्रेस में थे उनने चुनाव लड़ा, भाजपा पार्टी के सभी समुदाय के लोगों ने उनको वोट दिया। अब महाराज साहब का टिकट मिलने का कारण शीर्ष नेतृत्व का है, महाराज साहब ने
यहाँ से टिकट मिला, आज उनके साथ पूरे सर्व समाज साथ में है। सभी ना तो ऐसा नहीं है, एक जाति समुदाय को टिकट देकर महाराज साहब को कमजोर करने का प्रयास किया, वो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। राव यागवन सिंह जी चेहरा बनाए गए हैं कांग्रेस से, वो कैसे व्यक्ति हैं, क्या जानते हैं उनके बारे में थोड़ा सा? देखिए मैं उनके बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन उनके जो पिताजी हैं उनका नाम मैंने सुना है, समाज में उनका अच्छा नाम रहा है और यादव समाज में भी उनका अच्छा नाम रहा है। देखो जो जिसकी जो अच्छाई होती है वो अच्छाई बताना पड़ती है, उनका समाज में अच्छा नाम रहा है। लेकिन महाराज श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से अगर तुलना की जाए तो महाराज ने भी सीपरी गुना अशोकनगर उनके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं सारी पूरे क्षेत्र तीनों उसमें तीनों जिलों में उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं और वहाँ जब तक वो चुनाव लड़े हैं जीते हैं वहाँ से। प्रीतम लोधी की जो कुछ 5-6 महीने का कार्यकाल हो गया, कितना बदला है, क्या क्या नई चीजें होते हुए देख रहे हैं आप, कैसी राजनीति बदली है? देखिए अभी 30 साल की यहाँ अव्यवस्थाएं थी जी, 30 साल से लगातार एक व्यक्ति यहाँ के विधायक थे और अव्यवस्थाएं यहाँ बहुत फैली हुई थी। आदरणीय भाई साहब पहली बार बने हैं, थोड़ा सा समझने में समय लगेगा। अपन किसी स्कूल या कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो तमाम तरह की चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, अभी भाई साहब नए नए हैं और पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इसके बाद जो अव्यवस्थाएं हैं उन पर विचार कर कर बहुत जल्दी कई गलतियां हो रही हैं अभी का आज के टाइम पे उनके सबसे बड़ी चुनौती उनके छोटे सुपुत्र हैं, वो कहते हैं कि जो कांग्रेसी आ रहे हैं वो पैसे लेकर आ रहा है, तमाम चीजें चलने की धंधा टाइप का चालू हो गया है। अब देखिए जे तो मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता ज्यादा क्योंकि वो उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि प्रीतम भाई साहब के द्वारा जो वो काम चल रहा है उसमें वो विचार करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए वो 30 साल से यहाँ कंटिन्यू थे, अभी उन्हें 6 महीने 4 महीने हुए हैं, तो 4 महीने आप क्या आशा उम्मीद पाल सकते हो। अब अव्यवस्थाओं की भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अव्यवस्थाएं इसलिए हो रही हैं कि कार्यकर्ताओं ने आशाएं बहुत पाल ली, अब एक साथ पूरी आशाओं को हम नियम विरुद्ध भी नहीं हो पाएंगे, नियम विरुद्ध भी नहीं हो पाएंगे। आप चाहो सारी आशाएं एक साथ पूरी हो जाए, वो 30 साल का सिस्टम था जो अभी 3 महीने का सिस्टम है, तो सिस्टम को बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। सिस्टम को बदल रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके बाद जो पिछोर विधानसभा की जो अव्यवस्थाएं अभी हैं उन पर विचार करेंगे, पुनः विचार करेंगे और आदरणीय भाई साहब को भी मार्गदर्शित करेंगे कि आप यहाँ जो गलती कर रहे हो इसमें सुधार करिए, ऐसा हम सबका प्रयास। पंजाब प्रीतम सिंह की जोड़ी ने जिस प्रकार का धमाल मचाया इस चुनाव में और परिणाम कुछ अलग आए जी, इस चुनाव में जहाँ पर महाराज साहब चुनावी मैदान में, क्या परिणाम आने वाले हैं, कुछ अच्छा होगा कि बहुत अच्छा होगा? देखिए मैं भी लगभग सभी जगह घूम रहा हूँ, परिणाम बहुत अच्छा ही होगा। आदरणीय श्रीमंत महाराज साहब के भी पिछोर विधानसभा से अच्छे रिश्ते रहे हैं, एक एक परिवार से वो जुड़े हैं और अब कुछ भी होती है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि महाराज तो महाराज है, श्रीमंत महाराज साहब यहाँ से भारी बहुमत से चुनाव जीते पिछोर विधानसभा से। कुछ नाराजगी हो सकती है लोगों में, वो नाराजगी भी लोगों की बड़ा सुधार भी किया, अभी पिछोर में एक जो हॉस्पिटल आया है वो श्रीमंत महाराज साहब जी के है, जो बड़ा अस्पताल आया है वो श्रीमंत महाराज साहब जी के है, हमेशा सिंधिया परिवार ने कुछ दिया है। अच्छा एक घोषणा की है लास्ट में सवाल, एयरपोर्ट की उन्होंने बात की कि शिवपुरी से मैं एयरपोर्ट बनेगा, गुना में एयरपोर्ट बनेगा, शिवपुरी से फ्लाइट जाएगी भोपाल, हाँ जो कहा है वो तक साकार होता हुआ नजर आएगा। देखिए जो पार्टी और शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि भाजपा अगर किसी चीज की घोषणा करती है या भी करती है तो वो पूरा होता है, आपने देखा होगा आदरणीय मोदी जी की गारंटी कार्ड, कुछ भी हो पार्टी पूरा करती है। लाड़ी बहना योजना बनाई, आज हर बहना के खाते में पैसा आ रहा है, किसान सम्मान निधि योजना, हर किसान के खाते में पैसा आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, पार्टी ने कुछ चीजें ऐसी बनाई हैं। आज कुछ लोगों का घर लाड़ी बहन पैसों से चल रहा है, कुछ लोगों का घर अंत्योदय की पर्ची से चल रहा है, ऐसा नहीं है। सरकार की जो लाभकारी और हितकारी घर तक पहुंची है, अगर भाजपा सरकार ने 100 रुपए भेजा तो 100 रुपए का 100 रुपए हितकारी के खाते आया। तो राजेंद्र जी थे, वास्तविकता में एक बड़ा मुद्दा है जो आपने कहा है, वास्तविकता में कोई व्यक्ति हो चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता के हो, जहाँ बनेगा सबको कुछ ना कुछ दे के जाएगा, जहाँ बना तो फिर का नाम भी होगा, विकास भी होगा। इसी मुद्दे को हम लगातार लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं, क्या चुनावी मुद्दे किस प्रकार की राजनीति हो रही है और वो वास्तविकता में जो मुद्दे उस पर कितना काम रहा है, ऐसी किसी ने फिर चर्चा होगी। जी तो राजेंद्र जी जो हैं वो वास्तविकता में पड़े थे, मुखर बता है और आम की भाषा शैली में देखा है कि बात रखते हुए नजर आते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।